नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्णिश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंत में माँ ने हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से समझाया था। यहाँ पर आनंद कर्णिश जी ने माँ से ये प्रश्न पूछा था कि जो आध्यात्मिक मार्ग पे हैं उनके सामने एक विकल्प आ जाता है कि दो सिद्धांत जो हैं, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा समर्पण का सिद्धांत, तो इन दोनों सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत सही है? अपने इच्छाओं को साकार करना है, अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना है, तो इसमें से कौन सा सही है? तो माँ इस प्रश्न का जवाब देते हुए ये कह रही है कि दोनों ही मार्ग सही हैं, बट दुर्भाग्यवश इन मार्गों को सही तरह से मनुष्य समझ नहीं पाए हैं और दोनों ही मार्गों को समझने में गलत फहमी हुई है। माँ कहती है, अगर आप समर्पण के मार्ग समझने की कोशिश करो, तो जब समर्पण के मार्ग को मनुष्य देखता है तो काफ़ी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब आप वर्तमान क्षण में अपने आप को समर्पित करते हो तो उस वर्तमान क्षण का अर्थ है सिर्फ वही क्षण, और उसका भूतकाल से और भविष्यकाल से कोई संबंध नहीं है। पर माँ कहती है, ऐसा नहीं है बेटा। सत्य ये है कि आपका जो वर्तमान क्षण है वो समस्त क्षणों को अपने में शामिल करता है, शामिल रखता है। और वो क्या शामिल रखता है? जो आपका तुरंत, ये जो आपका अभी का क्षण है, वो जो आप अपने पंचेंद्रियों द्वारा सेंस करते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप वर्तमान क्षण को महसूस करने की कोशिश करो तो आप किस प्रकार उसे फील करोगे? अपनी पंचेंद्रियों के द्वारा, जैसा कि मैं क्या देख रहा हूँ अभी, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या टेस्ट कर रही हूँ, क्या सूंघ रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, क्या मेरी त्वचा क्या फील कर रही है, तो इन पंचेंद्रियों के द्वारा कोई भी मनुष्य अपना ये तुरंत वर्तमान क्षण जो है उसे उसका आभास होता है। तो माँ कहती है, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, वर्तमान क्षण जिसके बारे में आप समर्पण की बात कर रहे हैं, उसमें आपका इमीडिएट प्रेजेंट है और भूतकाल के सारे क्षण उसमें आपके मन के माध्यम से शामिल हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आप भले ही वर्तमान क्षण में हो, पर आपका जो मन है उसमें आपके समस्त भूतकाल के अनुभवों की छवि है, और उस मन के द्वारा आप अपने भूत को अपने वर्तमान से कनेक्टेड रखते हो। और माँ भविष्य के बारे में ये कहती है कि आपका जो भी वर्तमान क्षण है जिस पर आपके सारे भूतकाल के क्षणों की भी छवि पड़ती है, वो वर्तमान क्षण आपके भविष्यकाल को प्रभावित करता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि भले ही आप वर्तमान के आगे समर्पित भाव में हो, पर इस वर्तमान में आपके तीनों काल जुड़े हुए हैं, आपका वर्तमान क्षण, आपके भूतकाल के सारे क्षण और आने वाला भविष्य का प्रोजेक्शन, किसके माध्यम से? आपके मन के माध्यम से। तो यहाँ पर आनंद कर्णिश जी माँ से बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे हैं, माँ तो इसका मतलब है कि वर्तमान क्षण सारे क्षणों को अपने में शामिल रखता है, या वो अपने पंचेंद्रियों के द्वारा हो या अपने मन के द्वारा। माँ कहती है, और दूसरी तरह हो ही नहीं सकता बेटा। आपका मन आपका भूत और भविष्य को अपने अंदर रखता है, और वर्तमान अपने समस्त पंचेंद्रियों के अनुभूतियों के द्वारा इस क्षण से कनेक्टेड रहता है। माँ कहती है कि
जब भी आप समर्पण के मार्ग में हो और सोचते हो कि मैं वर्तमान क्षण से जुड़ा हुआ हूं, तो इस वर्तमान क्षण को अगर आप भूत और भविष्य से, अपने भूत और भविष्य से विच्छिन्न कर दे, तो वो आपके अंदर वो महान परिवर्तन लेकर नहीं आता। अगर अपने अंदर आपको वो परिवर्तन देखना है इस समर्पण के मार्ग में, तो जब आप अपने वर्तमान क्षण को, अपने समस्त टाइमलाइन, अपने समस्त कालचक्र के साथ जुड़ा महसूस करोगे, तभी आपके अंदर आप वो परिवर्तन को देखोगे। और जब आपका वर्तमान क्षण आपकी जिंदगी के समस्त क्षणों से जुड़ा रहता है, तब आप अपने भूतकाल से भागने के लिए, भविष्य में कोई भी इच्छा को साकार करने की कोशिश नहीं करते हो। इसके बदले आप क्या करते हो? आप समझते हो कि आपका वर्तमान क्षण आपके सारे भूतकाल के क्षणों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे समझ में क्या होता है दोस्तों, कि आप अपने जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आपके सामने हैं अपने भूतकाल की वजह से, उन सारे क्षणों को कृतज्ञता के भाव से देखते हुए आभार प्रदर्शन करते हो। जो भी कुछ जिंदगी आपने अभी तक जी है, उससे आप भागने का प्रयास न करते हुए उसके प्रति आभार प्रकट करते हो, एक कृतज्ञता का भाव भूतकाल के लिए रखते हुए आने वाले भविष्यकाल के प्रति समर्पण का भाव रखते हो। जब आप ऐसा करते हो, तो समस्त कालचक्र के प्रति आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, क्योंकि जब आप भूतकाल के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हो, आभार प्रकट करते हो, तो वहां पर नेगेटिव फीलिंग तो आएगी नहीं दोस्तों। कृतज्ञता हमेशा पॉजिटिव फीलिंग लेके आती है। और जब आप भविष्य के प्रति समर्पण में हो कि जो भी हो मेरे लिए अच्छा है, मैं सबको स्वीकार करता हूँ, तो वहां भी आपको पॉजिटिव फीलिंग ही आएगी। और जब इस कृतज्ञता और समर्पण में आप जुड़ जाते हो, तभी आपके जीवन में सच्ची खुशी आती है। और उस सच्चे खुश के स्तर से अगर आपकी इच्छा पूरी भी नहीं हुई, तो भी उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इस स्तर पर आपका जो आंतरिक है, आपका जो हृदय है, वो संपूर्ण रूप से भरा हुआ है किससे? कृतज्ञता और समर्पण के भाव से। और ऐसी संपूर्णता से, ऐसे संपूर्णता के स्तर से आप जो भी इच्छा करते हो, जो भी मांगते हो, उसे मैनिफेस्ट होने में, साकार होने में अधिक समय नहीं लगता। और इसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके समर्पण के मार्ग में आ जाता है। तो देखिए कितने खूबसूरती से माने समर्पण का मार्ग यहाँ से शुरू करके उसे आकर्षण के सिद्धांत तक जोड़कर हमें समझाया है। तो जिस प्रकार हमें इतनी दिलचस्पी हुई माँ के बातों में, आनंद कन्या जी भी बड़े दिलचस्पी से सुन रहे हैं, पर यहाँ पर आनंद कन्या जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, आपने कहा कि जो भी कोई परिस्थिति आपके जिंदगी में है, उसके प्रति कृतज्ञता की भावना रखो। कृतज्ञता की भावना रखना मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स है। अगर हमारी जिंदगी में सब नेगेटिव हुआ है या कुछ चीज नेगेटिव हुई है, तो उसके प्रति हम पॉजिटिव फीलिंग कैसे दिखा सकते हैं? तो ये माँ बता रही हैं कि वो इस प्रकार कर सकते हो कि अपने बीते हुए कल को एक अलग दृष्टिकोण से देखकर। और वो किस प्रकार? माँ कहती है कि जो भी आपका बीता हुआ कल है, जो भी दुख आपको उसके कारण महसूस हुआ है, वो सब आपके अंदर आपके इनर चाइल्ड के रूप में बस जाता है। तो माँ कहती है, अगर आप अपने भूतकाल को ठीक करना चाहते हो, तो अपने अंदर के इनर चाइल्ड को संभालो, अपने अंदर के इनर चाइल्ड को ढेर सारा प्रेम भेजो, उसे अपने गले से लगा लो, उसके प्रति मुस्कान भेजो। और जो प्यार उस इनर चाइल्ड ने नहीं महसूस किया या नहीं पाया, उसे आप ढेर सारा दो। माँ कहती है, साइकोथेरेपी में डॉक्टर से यही तो करते हैं,
क्या करते हैं वो, ये आपके जो पास्ट है, आपका जो भूतकाल है, उसको रिलीज करने का मार्ग दिखाते हैं। तो माँ कहती है कि वर्तमान क्षण के आंखों से देखते हुए, आपके भूतकाल के प्रति समर्पण की भावना को रखते हुए उसको रिलीज कर दो। और ये रिलीज करने का एक मार्ग माँ ने इनर चाइल्ड के रूप में हमें बताया है। दोस्तों, हम इतने इनर चाइल्ड वर्कशॉप सेशन करते हैं, हमारे अंदर के जो भय है, जो बचपन से हमारे अंदर समाया हुआ है, और या हमारे भूतकाल के परिस्थितियों की वजह से जो भी कुछ हमें दुख पहुंचा है, जो इनर चाइल्ड के रूप में हमारे पास है, तो उसको ढेर सारा प्यार देकर, उसे अपने गले से लगाकर, उसे अच्छे तरह से समझकर हम इस मार्ग में अपने पास्ट को रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर माँ कहती है कि अगर आपको अपने मन से बाहर निकलना है, क्योंकि ये जो भी ड्रामा हो रहा है दोस्तों, ये मन का ही ड्रामा है। तो यहाँ पर आनंद कन्याशी का एक प्रश्न था कि माँ, आजकल के जो मानसिक डॉक्टर्स हम देखते हैं, वो कुछ लोगों को देखकर ये लगता है कि वो खुद ही अपना दिमाग खो बैठेंगे। तो माँ कहती है, हाँ बेटा, क्योंकि अगर आप किसी के दिमाग को, मन को ठीक करना चाहते हो, तो उन्हें मन से बाहर लेके आना पड़ेगा। ये बात डॉक्टर्स को समझना पड़ेगा, और जो अच्छे दिमाग के डॉक्टर्स हैं, वो समझते हैं कि आप मन से मन को विश्लेषण नहीं कर सकते, मन में रहकर मन को एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप मन में रहते हो तो मन का जो भार है उसमें आप एकदम बर्डन हो जाता है वो आपके लिए। तो माँ कहती है, मन से अलग हटकर ही हम मन को हील कर सकते हैं। और माँ ये भी कहती है कि अगर ये जो ट्रीटमेंट है मन को हीलिंग करने के लिए, जो भी डॉक्टर्स तरीका अपना रहे हैं, वो और भी इफेक्टिव तभी होगा जब उसमें ऐसे साधनाएं डाली जाएं जैसे ध्यान, श्वास के साथ रहना, श्वास को ऑब्जर्व करना, योगा की साधनाएं, मंत्र। जब ट्रीटमेंट में ये सारी साधनाएं भी शामिल होगी, तब वो ट्रीटमेंट और भी इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये जो साधनाएं हैं, ये आपको मन से बाहर, मन के परे लेके जाती हैं। वर्तमान में रहते हुए, वर्तमान क्षण से जुड़कर आपको मन से परे लेके आती हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं, हम में से कई लोग ध्यान करते हैं, जैसे जो लोग आनापानसति ध्यान करते हो, उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, अपनी सांसों के साथ रहने का प्रयत्न करते हैं। तो वर्तमान क्षण में जब हम अपने सांसों के साथ रहते हैं, तो हम दिमाग से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो श्वास है वो एक मार्ग है हमें मन से परे लेकर आने का। तो यहाँ पर आनंद कन्या जी माँ से कह रहे हैं, अच्छा तो अब समझ में आ रहा है माँ, कि अगर ये मन के डॉक्टर्स अपने ट्रीटमेंट में, अपने थेरेपी में ध्यान, योगा, प्रार्थना, ऐसी चीजें लेकर आए, तो उनके ट्रीटमेंट और भी ज्यादा अच्छा होगा। और माँ कहती है, सही बात है बेटा, जब भी आप ट्रीटमेंट में ध्यान लेके आते हो, तो ध्यान, जैसे हमने कहा, ध्यान में दो चीजें होती है, एक आप वर्तमान से संपूर्ण रूप से समर्पण में जुड़ जाते हो, और जब आप वर्तमान से संपूर्ण रूप से जुड़ जाते हो, इसका मतलब आपने भूतकाल से संधि कर ली है, मतलब पीस कर ली है, आपको अपने भूतकाल से कोई शिकायत नहीं है। और जब आपको भूतकाल से कोई शिकायत नहीं रहती, तो अपने आप मन से बाहर आ जाते हो। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से पूछ रहे हैं, माँ आपने इसके पहले भी कहा था कि काफ़ी लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ठीक से नहीं समझा है, ऐसा क्यों माँ, क्यों वो ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं? तो माँ कह रही है कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में गलती कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपका, आपके जो भी संपर्क संकल्प हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं साकार करने के लिए, कई बार अनजाने में, अनकॉन्शियस होते हुए, आप जानबूझकर नहीं कर रहे, पर अनजाने में ये सारी जो इच्छाएं आपकी हैं, वो अभाव के स्थल से उत्पन्न हो रही है, संपूर्णता के स्थल से उत्पन्न नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी चीज की इच्छा रखते हैं,
वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि आपके चीज में किसी आपके जिंदगी में किसी चीज का अभाव है। उस अभाव को महसूस करते हुए आप अपने जिंदगी में और भी चीज लाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आपके अभाव के फीलिंग के कारण वो अभाव आपके जिंदगी से नहीं हटता। अगर आप अपनी जिंदगी में संपूर्ण समृद्धि का अनुभव करते हुए किसी चीज की इच्छा रखते हो तो उस समृद्धि के स्थल से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तो इस दुनिया में अधिक से अधिक लोग, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए नहीं काम कर रहा, वो इसलिए क्योंकि उनके मन में जिस स्तर से उनकी इच्छाएं उग रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, उसका प्लेटफॉर्म है अभाव का मनोभावना। जब आप मनोभावना के स्तर से कुछ भी इच्छा करते हो तो वहां पर आपकी इच्छाएं नहीं, आपकी अनुभूतियां इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों आप भौतिक रूप से क्या चाहते हो ये नहीं इम्पॉर्टेंट है, आप क्या फील कर रहे हो ये इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। अगर आप अच्छा करना चाहते हो अपनी जिंदगी के लिए तो पहले आपको अच्छा फील करना होगा। अगर आप हमेशा ये फील कर रहे हो कि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, अभाव की जो फीलिंग है, तो वो आपको और भी अभाव लेकर आएगा आपकी जिंदगी में। और ये सृष्टि ऐसी काम करती है दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से, जो आपकी सोच है वही आपको मिलती है। अगर आपकी फीलिंग्स, ये सारे मनोभावना का गेम है दोस्तों, तो आपके अगर इमोशंस अभाव के इमोशंस है तो आपकी जिंदगी में और भी अभाव भर जाएगा। तो यहाँ पर आनंद कन्या माँ से पूछ रहे हैं कि अगर आपको एक करोड़पति बनना है तो सिर्फ सोचने से कोई करोड़पति नहीं बन सकता क्या माँ? तो माँ कहती है सिर्फ सोचने से नहीं, पहले उस करोड़पति होने का जो होने की जो खुशी के फीलिंग्स है उसे पहले आपको फील करना पड़ेगा। क्योंकि जो सोच है उसके साथ मनोभावनाएं फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, पर उससे भी पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आप दुखी हैं कि आप करोड़पति नहीं हैं। अगर आप दुखी हैं कि आप करोड़पति नहीं हैं तो आप उस करोड़पति के सोच से इस दुखी वाले फीलिंग्स को बदल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं कि आप करोड़पति बने, पहले आपको ये दुख होता है कि आप करोड़पति नहीं हैं। तो आपको पहले ये प्रश्न को ढंग से समझना होगा और भी गहराइयों तक जाना पड़ेगा कि आप एक करोड़पति क्यों बनना चाहते हैं। पहले आपको ये, जब भी आपके पास कोई इच्छा आती है तो माँ कहती है पहले उसे समझने की कोशिश करो कि वो इच्छा क्यों उत्पन्न हुई है। और गहराइयों में आप ये जब प्रश्न पूछते हो तो आपको समझ में आएगा कि आप क्यों करोड़पति बनना चाहते हो। अगर ये करोड़पति बनने का ये जो आइडिया है, जो इच्छा है, वो इसलिए है क्योंकि आपकी जिंदगी में अभाव महसूस कर रहे हो, तो अभाव के स्तर से आप एक करोड़पति कैसे बन पाओगे? क्योंकि अगर आप अभाव महसूस कर रहे हो तो आपकी जिंदगी में और भी अभाव ही आएगा, करोड़पति की वास्तविकता तो नहीं आएगी। तो माँ कहती है अभाव और अभाव को उत्पन्न करता है। तो यहाँ आप अगर करोड़पति बनना भी चाहो तो करोड़पति भले ही बन जाओ पर एक ना खुश करोड़पति बनोगे, क्योंकि आपकी इच्छा ये आप खुशी में नहीं, ना खुशी से उत्पन्न हुई इच्छा आपको और भी ना खुशी ही लेकर आती है। तो अगर वैसे तो आप करोड़पति ना बनोगे, पर अगर बन भी गए तो आप एक अनहैप्पी ना खुश करोड़पति बनोगे, कह के माँ बिल्कुल मन से हंस रही है। माँ कहती है उन लोगों की जिंदगियों को देखो जिनको बड़ी बड़ी लॉटरियां जिनके जिंदगी में लगती है, और फिर देखो उनकी जिंदगी क्या होती है। तो क्या होती है उनकी जिंदगी? जब तक लॉटरियां नहीं लगती तो वो इस आशा से जीते रहते हैं कि लॉटरी लगेगी, हाँ, और जब पैसा उनका आता है तो उनके दुख और भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि दुख क्यों बढ़ते हैं दोस्तों? क्योंकि जब पैसा आया, वो पैसा आया जरूर, पर दुख के प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो इच्छा की वो और भी दुख लेके आता है।
तो माँ कहती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अपने सोच को बदलो, अपने अंतरंग को बदलो। अंदर जो हो रहा है आपके मनोभावना के स्तर पर, उसको बदलना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को पॉजिटिव फीलिंग्स अपने अंदर हर भाग में पॉजिटिव फीलिंग्स कूट कूट के भरना होगा। पहले इच्छा करने के पहले कि मेरी इच्छा साकार हो जाए, इस बात पर ध्यान नहीं, आपको उस बात पर पहले ध्यान देना है कि आपके अंदर आप पॉजिटिविटी से भर लो। जब आपके अंदर आपके आंतरिक दुनिया पॉजिटिविटी से भर जाएगी, तो आपकी बाहरी भौतिक दुनिया अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि जो बाहर की दुनिया है वो आपके अंदर की दुनिया का मिरर है। यही तो कहते हैं ना दोस्तों, दर्पण क्या है? हमारी भौतिक दुनिया हमारे आंतरिक दुनिया का दर्पण है। इसलिए पहले आंतरिक दुनिया, अंदरूनी दुनिया को बदलिए पॉजिटिव फीलिंग्स देकर। और ये इसलिए क्योंकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा काम करता रहता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अंदर की दुनिया पर ही ध्यान देता है, आपके अंदर के मनोभावना पर, क्योंकि मनोभावनाएं एनर्जीज है दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो यूनिवर्स दे रहा है आपको, वो एक ही काम कर रहा है, वो ये देख रहा है कि आपके अंदर कौन से वाइब्रेशंस हैं। जो भी वाइब्रेशंस आपके पास हैं वो फिर से आपको और भी 3 गुना 4 गुना वही दे रहा है। तो आप अपने अंदर की दुनिया को खुश रखकर और भी खुशी प्राप्त कर सकते हो। तो माँ यही कह रही है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपको और भी खुशी चाहिए, तो आपको पहले खुश रहना होगा। ये रहस्य इतना सिंपल है, माँ कहती है इतना साधारण सिंपल होते हुए भी लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और इसको बड़ा रहस्य समझते हैं। इसमें रहस्य की बात कोई है ही नहीं। कहते हुए माँ कहती है, मेरे सीता अवतार में जब मैंने जंगलों में जब मैंने निवास किया था, मेरे पास क्या था, फिर भी मैंने जंगलों में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढी, और इन छोटी छोटी खुशियों में मैं अपने आप को बड़ी भाग्यवान मानती थी। और जब मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानती थी, तो मेरे मन के स्तर की खुशियों के कारण, मेरे खुशहाली सोचों के कारण, मेरा जो अकेलापन था वो मेरे प्यार के सोच में बदल जाता था। तो जब सीता मैया अशोक वन में अकेली थी, तो उस अशोक वन में जो भी छोटी छोटी खुशियाँ थी, उन्हीं में वो आनंदित रहती थी। और उस आनंद की वजह से भले ही वो अकेली थी, वो अपने अकेलेपन को, स्तनपन के सोचों को किसमें परिवर्तन कर पा रही थी? प्यार के सोच में। और उनके प्यार के सोच की जो शक्ति थी, उन्हीं सोचों ने राम जी को अपने ओर आकर्षित किया, और इस तरह राम ने सीता को पाया। तो दोस्तों यहाँ पर इतने अद्भुत तरीके से माँ हमें इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने अपने सीता के अवतार में किस प्रकार उपयोग किया हमें बता रही है। इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि माँ अशोक वन में अकेली है, राम जी कहीं हैं, वो अकेली अशोक वन में राक्षसों के बीच में है। तो माँ ये नहीं कहती कि मेरी स्थिति बहुत अच्छी थी। माँ कहती है भले ही मैं अकेली थी, अशोक वन में थी, पर मैंने वहाँ छोटी छोटी खुशियों में अपने आनंद को ढूंढना शुरू किया, छोटी छोटी चीज़ों में, और इस प्रकार अपनी सोच को परिवर्तन किया। तो मेरा ध्यान मेरे अकेलेपन पर नहीं रहता था, और इस प्रकार मेरे अंदर से जो सोच आने लगे वो राम जी के प्रति प्रेम के सोच आने लगे। और ऐसे प्रेम के सोच हमें खुशी लेके आते हैं, और इसी खुशी के तरंगों के कारण राम जी सीता मैया को ढूंढ पाए। कितनी सुंदरता से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने उदाहरण से माँ ने हमें समझाया। सो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम और भी जानेंगे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। धन्यवाद।